बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अभी बेसर हम पहुंचे हैं 11:30 बजे, थोड़ा लेट हो गए और अब इंशाल्लाह दूसरी बस सर के लिए रवाना होंगे। हाँ जी आदल, दूसरी बस सर को चलें, चलें बिस्मिल्लाह करें। यहाँ से दरिया कुनार पार करने के लिए थोड़ी बहुत पेमेंट करनी पड़ती है। अच्छा ये है प्यास, तो जब भी आप उदीपत सर जी जाएं, कहीं मुश्किल रास्ते पे जाएं, तो ये प्यास को साथ में रखना मत भूलिएगा। जहाँ पर भी आप हाइकिंग करें तो इस प्यास को ना भूलिएगा, क्योंकि आपको बहुत साथ देगा। थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का ये प्यास 4 आदमियों के लिए काफ़ी है उदीपत सर जाने के लिए। इसको काट लें और थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का चबाते जाएँ, खाते जाएँ, आप ठीक रहेंगे। दूधीपत सर की तरफ हमारा सफ़र शुरू हो गया है। तकरीबन 20 से 25 मिनट तक हम चल गए हैं। ज़िंदगी एक सफ़र और हम मुसाफिर बस जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। अभी लंबा सफ़र है, 6 घंटे और लगेंगे करीबन इंशाल्लाह। कोशिश करेंगे जल्दी पहुंच जाएं, लगेगा टाइम। पहले एक छोटा सा ग्लेशियर आ गया, नो प्रॉब्लम। से आना चाहिए था, मैं ऊपर से आ गया। एक मुश्किल रास्ता और एक मुश्किल रात हमारी मुंतजर है, क्योंकि हमारे पास टेंट नहीं है। तो उधर क्या पता खुले आसमान तले हमको रात बसर करनी पड़े, तो फिर क्या होगा, अल्लाह ही जाने बेहतर। देखें क्या होता है, क्या पता कोई झोंपड़ी वगैरह हमको मिल जाए तो नेमत होगी, वरना खुले आसमान तले सर्दी में रात गुजारना, वाह वाह। कुछ लोग जा रहे हैं, कुछ आ रहे हैं और हम आज जा रहे हैं। इंशाल्लाह कल हम भी वापस आ रहे होंगे। मानसरा के बहुत लोग आज आए हुए हैं। पहले हमको रास्ते मिले हैं उगी साइड के, मानसरा सिटी के।
अभी ये पार्टी आ रही है बालाकोट के, कुछ तो मेरे साथ की। मैंने पूछा किधर के, कहते बालाकोट के। मैं तुझे ग्राही हो है। हमारे पास तो कुछ भी नहीं है खाने के लिए सिवाय छोलों बिस्किट के। इधर लोग तो कोयले भी लेकर आए हैं, मुर्गियां गोश्त भी लेकर आए हैं, टेंट भी लेकर आए हैं, और एक हम हैं कि जिसरा मूसा मसाले पे बबल और नीम को लेकर चले गए थे, इधर भी हम बिस्किट और छोले लेके आ गए। चलो जी, अल्लाह खैर सलाह, किसी से रिजक हमारा किसी के साथ लिखा हुआ तो मिल जाएगा हमको। अब चढ़ाई मुश्किल होती जा रही है, अब हमारी रफ्तार भी किस वजह से हो रही है। हम भी आहिस्ता आहिस्ता जा रहे हैं, शुरू में हम तेज आए थे लेकिन अब मुश्किल होती जा रही है। किसने कहा था आदल दौड़ लगाओ, अब थक गए हो। पुतिपत सर अभी दूर है, बेचती थी गले हम ग्लेशियर के ऊपर चल रहे हैं। ये ग्लेशियर देख के मुझे चोरबाली का सफर याद आ जाता है अपना। हम तकरीबन 6 घंटे मुसलसल इसी तरह के ग्लेशियर के ऊपर चले थे। फिक्र करें किसी ग्लेशियर के नीचे ड्रॉप हो गए, नीचे नहीं गिरे। बस अल्लाह ने रहमो फजल किया था, हम 7 आदमी थे, तो 6 आदमी थे। यहाँ पर तो चले रास्ता बना हुआ है, उधर भी रास्ता बना हुआ था। एक औरत से पूछा ना कि खाला खंडा गली को ये रास्ता जाता है, बर्फ के ऊपर चढ़ रहे थे। औरत बोलती है हाँ बीरा सीधा सीधा रोड है। हमने कहा रोड है जी पे के मोटर वे है बर्फ के ऊपर, लेकिन उस औरत की हिम्मत थी ना। एक उसने बच्चा उठाया हुआ है तकरीबन 2-3 माह का, एक उसके साथ बच्ची है 4-1 साल की, और एक 6-1 साल का बच्चा है। वो दौड़ रहे हैं बर्फ के ऊपर नीचे, वो भी दौड़ रही है। उनको तो एहसास ही नहीं है कि हम बर्फ के ऊपर चल रहे हैं या दौड़ रहे हैं क्या, क्योंकि वो उनकी आदत है, उनको रोजमर्रा का काम है। बल्कि एक आदमी हमको मिला चोर में रास्ते में, बाबा था कोई 70-1 साल उम्र होगी। तो हमने कहा कि कहता है बस ये थोड़ा सा काम है, मुंडी तक जाता हूँ। हम हैरान रह गए, मुंडी तक दानो बहुत बड़ा लंबा रास्ता है। हम सुबह निकले मोरब को पहुँचे थे, कहते बस अभी जाता हूँ, अभी वापस आता हूँ, थोड़ा सा काम है। तो वो एक दिन में वापस आ जाते हैं, चोर से चलते हैं मुंडी तक और नौजाबाद और जुबोली से वापस हो जाते हैं एक दिन में। तो जाहिर है लोकल आदमी है, उनका काम है, वो लोग चल सकते हैं। से यहाँ के भी लोग हैं जो पूरे एक दिन में चल सकते हैं, एक दिन में दूसरी पत्थर आके वापस भी जा सकते हैं। तो हम लोग तो फार्मी है, चलता नहीं सकते, लेकिन कोशिश करते हैं। तकरीबन 1 घंटा 20 मिनट में हम यहाँ पहुँचाए। बेसर से हम चले हैं तकरीबन 5 मिनट कम 12, और 1:20 भी हो गए हैं। तकरीबन 1 घंटा 20 मिनट में हम इस जगह तक पहुंच आए हैं। हमारे बहुत से साथी जो रास्ते में हमको मिले थे, बालाकोट के, मानसरा के, उगी के, कुछ पंजाब के भी थे, वो अभी पीछे ही रह गए हमसे काफ़ी, तो हमसे पहले चले थे। अभी उनका नाम निशान नज़र नहीं आ रहा। यहाँ से 2 रास्ते हैं,
हम दाएं तरफ ही चल गए अल्लाह अल्लाह करके। वो बच्चे आगे से दौड़ते हुए जा रहे हैं, आबादी भी वो लोग दे यही रास्ते। ये देखे जी मेरा शेर जवान चीता आदिल खान प्लास्टिक के स्लीपलों में जा रहा है दूधी पत्थर झील। कहता है कि शूज पे मैं तंग होता हूँ, जगर्स लाए हुए हैं लेकिन वो संभाल के रखे हुए बैग में। कहता है जागर्स में चला नहीं जाता, स्लीपर बहुत अच्छे लगते हैं। अभी मैं गिर गया। कहता है मैं घाट घाट का पानी पीऊँगा। इधर ये छोटा सा होटल है, यूब होटल बुरबीनार। माशाल्लाह। ए घोड़े वाले भाई कितना खर्चा लेता है, कितने पैसे कहने दो। तो अभी जो घोड़े वाला गुजरा है वो बोल रहा था हम 10,000 रुपये लेते हैं। कहते हैं कि बच्चे क्या हाल है, ठीक हो, अच्छे हो, बहुत अच्छे, शाबाश। नहीं मानसरा के कोड़ी के बच्चे हैं कि हम 10,000 रुपये लेते हैं। जो ऊपर सवार था पिंडी के आदमी थे, उनसे पूछा 10,000 कुछ ज़्यादा नहीं ले रहे। कहते नहीं ये जितना रास्ता है मुनासिब है उनके लिए, तो मुनासिब है ठीक है। तो 10,000 क्या 1,000 रुपये भी हम नहीं देने के लिए तैयार नहीं थे। वो एक हमको बोलता है कि आए आपका मैं गाइड बन जाता हूँ, 6,000 रुपये दें, 5,000 रुपये दें। हमने कहा मरा तुम अगर 1,000 रुपये लो हम वो भी नहीं दें, हम 100 रुपये नहीं देते हैं, तुम हम खुद गाइड हैं। कहते आपका हमने कहा, कहने लगा कि आपका सामान उठा के लेके जाऊंगा। मैंने कहा तुम सामान नहीं हमको उठा के लेके जाते हो तो फिर हम 2,000 रुपये दे देंगे, वरना ये काम नामुमकिन है कि हम पैसे दें। हम इंशाल्लाह खुद 11 नंबर पे माहिर हैं, तो हमारा तो काम ही है कभी एक पहाड़ पे चढ़ना। हाँ तो कभी एक पहाड़ पे चढ़ना, कभी दूसरी पहाड़ पे चढ़ना। अब मानसरा में इंशाल्लाह मुझसे 2-3 पहाड़ ही रह गए जिनकी चोटियों पे मैं नहीं गया। मकराट आप रहते हैं वो भी इंशाल्लाह चल इंशाल्लाह नहीं बल्कि आप बताए इस साल ही अगस्त में चला जाऊँ। और कांशियाँ टाप 2 और तीसरी कौन सी जगह रहती है हमसे जी मानसरा में, तीसरी हमसे रहती है जी शरा शरा फॉरेस्ट। तो इंशाल्लाह मानसरा तो कवर हो गए, 3 जगह से रहती हैं मानसरा में। उसके बाद फिर सोचेंगे कि नेक्स्ट कहाँ जाए। गलियात भी कवर कर लिए इस दफ़ा, इस्लामाबाद तक का एरिया भी कवर कर लिया है, कश्मीर भी मैं चला गया हूँ और हंजरा पास भी चले गए, साथ भी चले गए। तो अब देखेंगे चतराल रहते हैं हमसे। और आज अगर मेरे साथ आदिल ना आता तो मैं आज पता है आदिल किधर जाने वाला था, मैं आज रत्ती गली झील जाने वाला था, जाता मुजफ्फराबाद उधर से। इस वक्त मैं द्वारी से ऊपर पैदल पैदल तो नहीं सॉरी अपने बाइक पे ही जाता, छोड़ता तो नहीं था मैं। तो आदिल ने कहा नहीं मैं आपके साथ आज जाऊंगा। तो सकर्दू का प्रोग्राम हमारा बढ़ गया था क्योंकि आदिल के डैडी ने परमिशन नहीं दी। उन्होंने कहा कि खबरदार अगर जाने का नाम भी लिया तो मुझे पहचानते हो ना, तो फिर हम डर के मारे दुबक गए घर में, हम नहीं गए। 3 दिन आदिल ने खाना भी नहीं खाया और 3 दिन घर में आदिल बोला भी नहीं है डर के मारे कि मैंने बैकार्ड किया होता रोटी का और चावल खाता था। हाँ चावल खाता देखे सूझ गया। तो शुक्र करें इसके वालिद ने आज इजाज़त दी, वो बोला है कि हम सिर्फ नारायण तक जाते हैं। तो दूधी पत्थर सर का बोलते हैं कि इतना दूर जाते हैं तो
फिर प्रोग्राम बढ़ने का खतरा था, तो प्रोग्राम हमारा बच गया। तो आज हम, आज आप तारीख क्या है जी आदल? आज 20 तारीख है। तो आज 20 तारीख को हम बरोज हफ्ता तुतिपत सर झील जा रहे हैं। कि हम 10,000 रुपये लेते हैं। जो ऊपर सवार था पिंडी के आदमी थे, उनसे पूछा 10,000 कुछ ज़्यादा नहीं ले रहे? कहते नहीं, ये जितना रास्ता है मुनासिब है उनके लिए, तो मुनासिब है, ठीक है। तो 10,000 क्या, 1,000 रुपये भी हम नहीं देने के लिए तैयार नहीं थे। वो एक हमको बोलता है कि आए आपका मैं गाइड बन जाता हूँ, 6,000 रुपये दें, 5,000 रुपये दें। हमने कहा मरा तुम अगर 1,000 रुपये लो, हम वो भी नहीं दे, हम 100 रुपये नहीं देते हैं, तुम हम खुद गाइड हैं। कहते आपका हमने कहा, कहने लगा कि आपका सामान उठा के लेके जाऊंगा। मैंने कहा तुम सामान नहीं हमको उठा के लेके जाते हो तो फिर हम 2,000 रुपये दे देंगे, वरना ये काम नामुमकिन है कि हम पैसे दें। हम इंशाल्लाह खुद 11 नंबर पे माहिर हैं, तो हमारा तो काम यही है। कभी एक पहाड़ पे चढ़ना, हाँ तो कभी एक पहाड़ पे चढ़ना, कभी दूसरी पहाड़ पे। आदल आहिस्ता एहतियात से, यहाँ पर ये दलदली ज़मीन है, पाँव रखते हैं तो इस तरह जगह दसी जा रही है। देखें अब ये लकड़ी का एक छोटा सा पुल है, अब ये पुल क्रॉस करना है। मुल्ला की बस्ती है, मुल्ला की बस्ती हम पहुंच आए हैं। मुल्ला जी दुधीपत सर झील कितनी है? 1.5 घंटा रास्ता होगी। हाँ हर जगह को बोलते हैं शायद कि मुल्ला की बस्ती, अभी हमने पता नहीं किया, अभी हम पता करते हैं इन लोगों से इस जगह का क्या नाम है। मुल्ला की बस्ती में हम पहुंच आए हैं और माशाल्लाह ये मुल्ला की बस्ती, छोटा सा परिंदा है, बड़ा खूबसूरत, करीब तो जाने नहीं दे रहा। हम 3 घंटे और 40 मिनट में बेसर से मुल्ला की बस्ती तक पहुंच आए थे। बहुत से लोग तो यकीन नहीं कर रहे थे, लेकिन जब उन्होंने वीडियो देखी तब इनको यकीन आया। जी है मुल्ला की बस्ती, और सामने जो पहाड़ नज़र आ रहा है उसके नीचे ग्लेशियर जो है, यहाँ पर दुधीपत सर झील है। तकरीबन यहाँ से 1 घंटा लग जाता है, सुबह इंशाल्लाह वहाँ पर जाएंगे। पहले तो हमने सोचा कि जाते हैं झील को और आज ही वापस होते हैं, करीबन 6 बजे वापस इधर पहुंच जाते। फिर सोचा जो ग्लेशियर वाला एरिया है वो किस तरह क्रॉस करेंगे, क्योंकि फिर अंधेरा हो जाएगा और लाइट का मसला होगा। तो बेहतर ये है कि रात इधर स्टे करें, और फिर हमने ये टेंट रेंट पे ले लिया आज रात के लिए, और सुबह इंशाल्लाह हम दुधीपत सर जाएंगे फिर वापस इंशाल्लाह।